हेलो, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत ही एक पॉपुलर ब्रांड लेके आए हैं मार्शल, जिसका आप देख सकते हैं ये एम्बरटन 2 मॉडल है और ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एम्बरटन 3। और आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, जो पहले वाला एम्बरटन 2 था वो ज़्यादा बेटर है या जो अभी आया है वो ज़्यादा बेटर है। और इन दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, इवन कुछ फीचर्स भी है जो उन्होंने नए वाले एम्बरटन 3 में अपग्रेड किए हैं जो कि पुराने वाले में नहीं था। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों को अनबॉक्स करेंगे, बिल्ड क्वालिटी, क्या फीचर ऐड किए हैं, सारी चीज़ें आपको प्ले करवा के आपका साउंड वाउंड सब चेक कराएंगे। हमारी पहले भी वीडियोस देखी होंगी और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कंपैरिजन वीडियो आप तक पहुंचा दें। जो बॉक्स की पैकेजिंग है ना, वो देख रहे हो आप, दोनों की सिमिलर है, इवन साइजेस भी ऑलमोस्ट सेम है, डिटेल्स और पैकेजिंग सारी सेम है। बस थोड़ा इन्होंने डिफरेंस ये दे रखा है कि यहाँ पे जो टेप था ना वो सर्कुलर शेप का था, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बॉक्स के जो लुक है ऑलमोस्ट सेम है, जो इन्होंने फीचर डिस्क्राइब कर रहे हैं बैक साइड में वो भी ऑलमोस्ट सेम है। और एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एम्बरटन 2 है वो आपका 19,999 रुपीस का आ रहा है। कैमरा में थोड़ा पास आकर दिखा देते हैं, यहाँ पे एमआरपी आपको क्लियर दिख जाएगा, जैसे 19,999 यानी अप्रॉक्स 20,000। और जो एम्बरटन 3 है इन्होंने इसमें एमआरपी थोड़ी डाउन कर दिया है, यहाँ पे देखने मिल रहा होगा आपको 17,999 रुपीस अप्रॉक्स। हम ले लेते हैं कि ये वाला 20,000 का था और ये जो आया है अभी वो 18,000 रुपए की रेंज में इन्होंने लॉन्च किया है। तो चलिए फटाफट हम इसको अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करके आपको अंदर से दिखाते हैं कि क्या इन्होंने पैकेजिंग कर रखी है, क्या डिफरेंसेस है इसमें साउंड क्वालिटी और ब्लूटूथ वर्जन में, और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने चेंज कर रखे हैं नए और पुराने वर्जन में। तो चलिए पहले कौन सा खोलें, सेकंड। तो हमारे कैमरामैन ने कहा कि पहले सेकंड वाले को अनबॉक्स करें और उसके बारे में बताएं, देन आपका एम्बरटन 3। तो चलिए एम्बरटन 2 को पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑलरेडी कई लोगों के पास होगा भी एम्बरटन 2, बट एम्बरटन 3 नहीं होगा। हम दोनों का कंपेरिजन करके आपको बताएंगे कि क्या कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं है। जैसे आप बॉक्स खोलेंगे तो अंदर से ये दिख जाएगा, 1962 में स्टैब्लिश हुआ था ये ब्रांड और अभी 2024 चल रहा है और काफ़ी ही पॉपुलर है। तो सबसे पहले हमारे हाथ में ये आ गया है बॉक्स, एक ब्राउन कलर का, यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डेट लिखा हुआ है। और इसको अगर ओपन करते हैं तो इसमें मिल जाता है एक चार्जिंग केबल जो कि काफ़ी ही प्रीमियम लग रही है, इनका नेम रख रखा है, कार्विंग काफ़ी अच्छी है, डिटेल और काफ़ी प्रीमियम लुक है, केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो हम इसको रख देते हैं, स्पीकर दिखाते हैं। तो सेकंड जो आता है स्पीकर, वो अंदर से देखेंगे आप थर्माकोल की एक पॉली के अंदर इन्होंने रैप कर रखा है। तो हम स्पीकर निकालते हैं, तो स्पीकर देखेंगे तो इन्होंने सिंपल यहाँ पे टेप को लगा रखा है, तो थोड़ा सा टेप को भी हम हटा देते हैं और स्पीकर का लुक आपको दिखाते हैं। इसके अंदर स्पीकर को हम साइड में रखते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे तो और कुछ भी नहीं है, एक मैनुअल है ब्लैक कलर की पार्टी में। स्पीकर फाइनली ये है स्पीकर, आप देखेंगे ये वाला जो कलर है हमारे पास वो है ब्लैक विद स्टील, ब्लैक एंड स्टील। जो काफ़ी पॉपुलर जो इसका कलर है वो है ब्लैक एंड ब्रास। तो ब्लैक एंड ब्रास आपने ज़्यादातर देखा होगा, ये वाला कलर बहुत ही कम लोगों के पास है और कम ही आता है, ये इनकी प्रीमियम कैटेगरी में आता है। और एक और चीज़ ये है कि जो ये वाला है एम्बरटन 2, इसके अंदर आपको 3 कलर देखने को मिलता है, एक तो ब्लैक एंड ब्रास, एक ब्लैक एंड स्टील और इसका थर्ड जो कलर है वो क्रीम है। इसको हम फिलहाल साइड रखते हैं और एम्बरटन 3 को हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए सिंपली इन्होंने इस बार टेप थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जैसे एम्बरटन 2 में ना इन्होंने राउंड शेप का सर्कुलर शेप का दे रखा था टेपिंग, और इसमें दिया उन्होंने थोड़ा सा अलग। तो इसको हटा देते हैं, अंदर से सिमिलर ही पैकेजिंग देखने को मिला है, एस्टेब्लिशमेंट डेट 1962 ये बॉक्स हमको पहले मिला था। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इस चार्जिंग केबल ही होगी मुझे शायद, तो अगेन इसकी चार्जिंग केबल की इन्होंने इस बार चेंज कर दिया है। जो लास्ट वाला था ना ये वाले का, वो आप देखेंगे एम्बरटन 2 का तो USB विद टाइप सी था, ये एम्बरटन 2 वाला केबल है, और ये वाला जो है एम्बरटन 3 का, इसमें इन्होंने C2C दे दिया है। टेक्नोलॉजी सारी ही टाइप सी में शिफ्ट हो रही है, तो हम क्यों पीछे रहे, तो इसलिए इन्होंने C2C केबल के साथ ही इसको दे दिया है। तो चलिए केबल्स भी हम साइड में रखते हैं अभी और इस वाले को देखते हैं। तो अंदर आप देखेंगे ना तो इस वाले के जो थर्माकोल पैकिंग लगी हुई थी उसमें टेप के साथ आ रहा था, बट इसमें टेप नहीं है, इसमें इन्होंने छोटा सा एक हैंडल दे दिया, तो इसको हम निकाल देते हैं। काफ़ी डेलीकेटेड सा भी लग रहा है कि फटवट ना जाए। फाइनली हमारा स्पीकर, और इसके अंदर भी आपने देखा एक आपका मैनुअल और कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं इधर। और ये स्पीकर तो भाई स्पीकर, ये वाला जो कलर है वो ब्लैक विद ब्रास है। और एक और जो मेरे को ओपन करते हुए एक चीज़ मैंने नोटिस करी वो है इसका लोगो। तो कैमरामैन थोड़ा पास आके दिखा दीजिए लोगो, ये देख रहे हैं आप लोगो, हम लोगों को क्लियर आ रहा होगा शायद। तो क्यों ना हम ये ब्लैक विद स्टील की जगह हम ब्लैक विद ब्रास वाला ही मॉडल लेके आए हैं, इसका भी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखे, इसलिए हम लोग इसका ब्लैक एंड ब्रास मॉडल को उठा लाए हैं एम्बरटन 2 का। और यहाँ पे आपको लोगो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये मेरे पास मॉडल है ब्लैक एंड स्टील, ब्लैक एंड ब्रास एंड ब्लैक एंड ब्रास अगेन एम्बरटन 3 में, तो यहाँ पे लोगो का डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा। कई बार ऐसा होता था ना जैसे हम देख रहे थे तो बैक साइड वाला भी वो क्लियर नहीं दिख रहा था, जैसे ब्रास में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये ब्रास वाला स्टील जो है इसका ये मेटल का ग्रिल है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बट यहाँ पे इन्होंने ना लोगो ही प्रोजेक्ट कर दिया, ब्लैक बैक साइड से इन्होंने ब्लैक कलर का कुछ दे दिया है, तो काफी लोगों को अच्छा भी लग रहा है और काफी लोगों को बुरा लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, हम फिलहाल इन तीनों को ही रख लेते हैं। ये जो हमारे पास दो मॉडल आप देख रहे हो, ये एम्बरटन 2 है और ये वाला एम्बरटन 3 है,
एक और जो इन्होंने चेंज कर रखा है वो इसकी बॉडी थोड़ी सी आप देख रहे होंगे तो ज्यादा ब्रॉड टाइप का दिख रहा होगा इन कंपैरिजन ऑफ एम्बटन टू। ये थोड़ा सा स्लीक सा दिख रहा है, पतला सा, थोड़ा सा चौड़ा सा दिख रहा है, बट जो हाइट है इनकी दोनों की सेम है। और एक और चीज हमारे कैमरा में थोड़ा पास आके और दिखा दीजिए, जहां पे देखेंगे ना आप तो कोई भी ऑन ऑफ स्विच नहीं है एम्बटन टू में, बट एम्बटन थ्री में आपको ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल रहा है। और इनका जो एलईडी इंडिकेटर है ना उसका भी इन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया, यहाँ पे जैसे ये फील कम हो रहा था यहाँ पे बट इम्पोज हो गया ऐसा फील हो रहा है पूरा। बट जो इनका ये लेदर टेक्सचर है ये दोनों का सेम है, ये भी शायद वीगन लेदर यूज करते हैं। और ये मजे की बात ये है कि सारे रिसाइकलेबल जो मटेरियल होता है उससे डिजाइन करे हुए होते हैं। तो एक और चीज इनके बीच में एक और मेजर डिफरेंस है, जैसे आप एम्बटन टू में देखेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन जो है वो आपका 5.1 है और यहाँ पे कोई भी माइक्रोफोन नहीं दिख रहा है, बट इस वाले में इन्होंने जो एम्बटन 3 है इसके अंदर इन्होंने माइक्रोफोन इनबिल्ट कर दिया है। और इसमें जो ब्लूटूथ वर्जन दिख रहा है वो 5.3 दिख रहा है। और उससे पहले इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है एली, इन्होंने एक ब्लूटूथ ऑडियो का लो फ्रिक्वेंसी रेंज इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया है। इवन इसके अंदर ऑराकास्ट मिल जाता है आपको, इसमें ऑराकास्ट नहीं था। और जो इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो इसका बैटरी बैकअप है इन्होंने एम्बटन 2 के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। जो एम्बटन 2 है वो आपका आता था अप टू 30 आवर्स प्लस बैटरी बैकअप के साथ आता था, और जो थर्ड है वो इन्होंने 32 आवर्स प्लस के साथ दे दिया है। इवन ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं अगर आप 20% को चार्ज करते हैं तो ये अराउंड 20 आवर्स के आसपास चलता है। और जो इनकी चार्जिंग टाइम है वो इन्होंने इसमें थोड़ा कम कर दिया है, सपोज इसको फुल चार्ज होने में लगता था 3 आवर्स बट इस वाले को फुल चार्ज होने में लगेगा सिर्फ 2 आवर्स। जो बैक साइड है वो भी आपका देखो यहाँ पे कैमरा में थोड़ा पास दिखा दो, जो इसकी ग्रिल है वो इन्होंने बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट कर रखी है, कोई बाहर नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर ही है। इस वाले का जो ग्रिल है वो बॉडी से थोड़ा बाहर निकल के आ रहा है, आप देख रहे होंगे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लोगो थोड़ा चेंज हो गया है। एक और एम्बटन 3 में इन्होंने एक लूप लगाने का स्पेस दे रखा है जो एम्बटन 2 में देखने को नहीं मिलता है। और जो इनकी डेसिबल्स हैं वो इसमें जो आती थी वो 90 डेसिबल कर दी है, इस वाले में आती थी 87 डेसिबल के आसपास। जो फ्रीक्वेंसी रेंज थी वो आती थी 60-20 हर्ट्ज के आसपास, और इसकी जो आ रही है अभी 65-20 हर्ट्ज। यहाँ पे आपको बेस और ट्रिपल एडजस्ट करने का कोई भी बटन नहीं दिखेगा, आप सिंपली यहाँ पे जैसे अपना सेंटर नोक बटन दे रखा है यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस दिख रहा है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस दिख रहा है, सेम यहाँ पर भी है। बस इन्होंने डिफरेंस क्या कर दिया, जो ऑन ऑफ बटन था एम्बटन 2 में वो यहाँ पे इसके अंदर ही डाल रखा था, नोक के अंदर में ही उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ता था ऑन करने के लिए, और इस वाले में इन्होंने सेपरेट ऑन ऑफ स्विच बटन दे दिया है। मे भी शायद इसलिए भी कर रखा है क्योंकि कई लोगों को ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम होती थी और कई लोग जोर से इसको पुश कर देते थे तो उसकी वजह से पैटर्न डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते थे, इवन कई लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा है। सो दैट इन्होंने जो ऑन ऑफ स्विच है वो अलग ही दिया है, दोनों में ही ऐप कंट्रोल सपोर्टेबल है। कई लोगों को पता नहीं होगा जो ये स्पीकर्स हैं, अगर जैसे मैंने बताया आपको कि बेस एंड ट्रेवल आप एडजस्ट नहीं कर सकते और आपको लगता है कि मेरे को बेस एंड ट्रेवल एडजस्ट करना है तो आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मार्शल के नाम से इसकी ऐप आती है दोनों ही प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पे ही, और वहाँ से जाकर बेस एंड ट्रेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट पार्ट हो जाता है इसका। अभी हमारा फाइनल टाइम है जो हम हमेशा सारे स्पीकर करते हैं और इसको आप प्ले करके हम दिखाएंगे, तो पहले प्ले कौन सा करें, सेकंड वाला, वो सेकंड वाले से ज़्यादा प्यार है भाई को हम देखना, कोई बात नहीं हम सेकंड वाले को प्ले करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि सेकंड वाले में कोई भी ऑन ऑफ स्विच बटन नहीं है, कई लोगों के पास होगा उनको पता होगा, कई लोगों के पास नहीं होगा, ये वीडियो उनके लिए है, फिर मैं बता देता हूँ उनके लिए है, प्लस इसमें जो लोग लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो सिंपली ये वाला जो बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, एंटर नोक बटन जो है, ये साउंड में भी शायद आई होगी, आई क्या, कोई नहीं हम प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए आगे इसका ब्लूटूथ बटन को प्रेस करना पड़ता है, आप सर्च करेंगे इसका नाम, इसका ब्लूटूथ बटन जब प्रेस करके रखेंगे तो ये साउंड करेगा, लेडी इंडिकेट करते हैं और इसका नाम आ जाएगा एम्बटन 2 का निकल लगाते हैं और दोनों में ही हम सेम म्यूजिक सुनेंगे। और ये M3 और इसमें वन ऑफ स्विच बटन इन्होंने अलग से दे रखा है, उसको भी देर कर लेते हैं और सेम ही ट्रैक हम इस पर बजाएंगे और आपको सुनाएंगे कि M3 कैसा साउंड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला कि डेसिबल जो है इसकी 90 डेसिबल में, प्लस इसमें जो हर्ट्स भी इन्होंने 5 बढ़ा दिया है, इस वाले में जो था वो 60 हर्ट्स था, इसमें 65 हर्ट्स और 20 हर्ट्स है। Why you always at a moment?
fuck around up your brain, no. I ain't trying to tell you what to do, but trying to play cool, baby. जैसे इन्होंने बताया था कि जो ये वाला है वो आपका 60 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज का था, ये वाला 65 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज है. तो ऑफकोर्स इसमें जो है ना, इन्होंने जो साउंड आ रही है वो इससे ज़्यादा, वो इससे लाउड आ रही है, इवन क्लियरिटी भी इससे ज़्यादा अच्छी आ रही है. इसमें एक और चीज़ देखने को मिल रहा था कि जैसे कंपनी ने बोला था ना माइक वाला और आकाश तो वो भी है. और तो अगर आप प्राइस की बात करें ना, तो अभी अगर आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो तो ये वाला का प्राइस जो है वो 15,000 के आसपास है और ये वाला 18,000 है. बट हम आपको ऑनलाइन से सस्ता देंगे. तो कहाँ पर आना है लेने के लिए? दी फोर्थ ब्रदर्स या फोर्थ ब्रदर्स कहीं भी जा सकते हैं. एड्रेस हमने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं. इवन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप डायरेक्टली कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं. और एक और बेस्ट चीज़ आप लोगों के लिए, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी आपको ये बताया है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर हम आपको शिपिंग प्रोवाइड करेंगे और जो भी शिपिंग का कॉस्ट आएगा वो हमारी साइड से रहेगा. इन कंपेरिजन आप ऑनलाइन से मंगाने की जगह आप मुझसे डायरेक्ट मंगा सकते हैं. हम लोग ऑथराइज्ड हैं मार्शल के डीलर. तो फटाफट फोन उठाओ, जो भी प्लान कर रहा है उस इस स्पीकर को लेने का वो फटाफट मुझे कॉल करें और मैं स्पीकर मंगाएं. और वारंटी आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगी, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है. कहीं से भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं. तो चलिए, थैंक यू सो मच. वो वीडियो मैंने रहे जाते जाते जो न्यू मेंबर्स हैं हमारे चैनल पे, वो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें. कमेंट पे ही हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो आपको लेकर के आएंगे. जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. इवन मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट पे रिप्लाई करूँ. ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच.